उत्तराखंड में कोरोना जनता रिपोर्ट के लिए भटक रही थी और कोरोना सैंपल कबाड़ी के पास पहुंच गए। कोरोना को लेकर हर जगह फैली दहशत के बीच हल्द्वानी में कबाड़ी के गोदाम से कोरोना जांच के सैंपल मिलने से सनसनी मच गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे आरक्षण केंद्र। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए आरक्षण केंद्रों के समय में बदलाव किया गया है। तत्काल आरक्षण के लिए यात्री को परेशानी ना हो, इसके लिए सभी रेलवे स्टेशनों के पूछताछ केंद्रों पर 2 से लेकर रात 10 बजे तक की सुविधाएं मिलेगी। रायपुर में आज तैयार हो जाएगा 30 ICU वाला हॉस्पिटल। शुक्रवार से मरीजों को मिलने लगेगा लाभ। देहरादून के रायपुर स्थित कोविड केयर सेंटर में 30 ICU वाला केयर सेंटर आज शाम तक तैयार हो जाएगा। बुधवार को पूरा सामान पहुंचने के साथ ही उनकी असेंबलिंग का काम शुरू हो गया था। शुक्रवार सुबह से मरीजों को इसका लाभ मिलने लगेगा। कोरोना संकट में मददगार बनेगा महिंद्रा ग्रुप और पेटीएम। जल्द मिलेंगे 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में चुनौतीपूर्ण होते हुए हालातों के बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति से सहयोग मांगा था। उनके अनुरोध पर ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट पेटीएम उत्तराखंड में 100 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर देंगी। शासन ने दिए निर्देश, जिलाधिकारी नहीं करेंगे ऑक्सीजन टैंकर का अधिग्रहण। शासन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर ऑक्सीजन टैंकरों का अधिग्रहण ना करें। कहा गया है कि यदि किसी जिले में ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई अथवा टैंकर की दिक्कत हो तो इस संबंध में नोडल अधिकारी को अवगत कराना जरूरी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति और बिक्री पर कड़ी नजर रखने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ड्रग इंस्पेक्टरों को अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। सचिव पंकज कुमार पांडे द्वारा राज्य के औषधि नियंत्रक को जारी एक आदेश में कहा है कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा इस इंजेक्शन की आपूर्ति और बिक्री की कड़ी निगरानी कर निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी पत्नी ने लगवाई वैक्सीन। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी दून अस्पताल की नई OPD में पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीन लगवाई। कई आपदाओं का दंश झेल चुका है घाट बाजार, आपदा के लिहाज से महफूज नहीं। इस नदी के उफान पर आने से भी कई लोग अकाल मौत का शिकार हुए हैं। घाट बाजार चुफलागाड़ नदी के दोनों ओर से बसा हुआ है। यहाँ नदी तीव्र ढलान में बहती है, जिससे अतिवृष्टि होने पर नदी रौद्र रूप में बहती है। नदी के दोनों ओर बाढ़ सुरक्षा कार्य भी नहीं हुए है। वरिष्ठ फिजिशियन और मुख्यमंत्री के डॉक्टर का बड़ा बयान, कहा कि तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सरकार को बुजुर्गों को नहीं, पहले युवाओं को वैक्सीन लगानी चाहिए। डॉक्टर NN बिष्ट ने वैक्सीन की मियाद पर भी सवाल उठाए हैं। कहा है कि तीसरी लहर आने से पहले बुजुर्गों को एक और बूस्टर डोज की जरूरत है। निजी स्कूलों ने अपने ऐप के जरिए शुरू की वसूली। पेरेंट्स पर बना रहे हैं दबाव फीस बढ़ाने का। कई अभिभावकों ने शिक्षा सचिव और मुख्य शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत की है। उनका आरोप है कि स्कूल पढ़ाई तो पहले की तरह जूम या गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म पर ही करा रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़ने के लिए मोबाइल ऐप बनाकर उनसे 3 से 5 हज़ार रुपए सालाना फीस की वसूली कर रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। परवीन अर्शी, राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क के लिए।